Chapter 12, electricity. We are going to start. So, any idea to you people that whatever you know about electricity, kya hoti hai? Okay, you must have studied about or heard about electric charge. ये सुना होगा आपने. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो उससे कभी भी आइसोलेट नहीं की जा सकती. हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, वन और मोर एटम. ठीक है, ये तो हम जानते हैं. और कोई भी जो एटम होता है उसमें दो चीज, तीन चीजें हमेशा मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और जैसा कि आप मुझे क्लास टेंथ में लग रहे हैं, तो जो एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपने पढ़ी होगी कि एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ऐसी कोई स्ट्रक्चर याद है? यस सर, यस. ठीक है, तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है एटम का, जिसमें ये बताता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें ऑर्बिट्स होती हैं, उनको शेल्स भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स या शेल्स. ठीक है, शेल्स. और इनके अंदर जो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, और जो ऑर्बिट्स और शेल्स होती हैं उनमें निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं. तो जब कोई भी मैटर इन एटम से मिलना है तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो यानी उसमें चार्ज है. ठीक है, तो चार्ज क्या है? इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम इट. ओके, तो लिख लो, एक हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज उसके बारे में एक डेफिनेशन लिख लो, एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए. चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम मैटर. Which can never be isolated from matter. Written? ठीक है, अब हमने ये पढ़ ही लिया है कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप. चार्ज दो तरह के होते हैं, यहाँ हमने अभी देखा पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, इज द नेक्स्ट पॉइंट भी आप लिख सकते हो, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स. चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स. चार्ज दो टाइप के होते हैं. चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स. चार्ज दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट, एक होता पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा होता निगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लिख लेते हैं पहले. अब देखो, किसी भी पार्टिकल बॉडी में या पार्टिकल में जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो बॉडी और या पार्टिकल को बोलेंगे कि दैट इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी और पार्टिकल इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज. ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? कोई भी जो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैटर है, ये एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक समान रहते हैं, एक नंबर में रहते हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट करती है. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हुआ,
इसी की वजह से वो न्यूट्रली एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस पे अगर निगेटिव चार्ज किसी भी कारण से कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसमें निगेटिव चार्ज कम हो गया तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो गई, इसलिए बॉडी को कहेंगे कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये अनस्टेबल है। तो जब डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं दैट द बॉडी इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर वन लिख लीजिए आप, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी और पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ही पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी और पार्टिकल इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी और पार्टिकल इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज, इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। The deficiency of electron on a body or particle is known as positive charge. लिख लिया आपने? Yes, अब जब किसी पे इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू इट। पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है कि आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करेगा, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ हमेशा निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर वोलेटाइल, दे विल मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो स्टैटिक है, तो अगर किसी को आप पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो इसका मतलब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन ले ले रहे हो। इलेक्ट्रॉन अगर आप ले ले रहे हो तो उसमें से आपने उसके मास में कमी हो गई, उसका मास कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एटम बनाते हैं, तो अगर उसमें वो जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं एटम के, वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गया तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया तो मतलब मास कम हो गया। मैंने बूंदी के लड्डू वाला एग्जाम्पल दिया था कि अगर बूंदी कम होने लगेंगी तो लड्डू छोटा होने लगेगा, यानी लड्डू का मास कम हो जाएगा। ऐसे ही जब निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो उसका मास भी कम होगा। इज दिस क्लियर? ओके, राइट इट डाउन। द मास ऑफ अ बॉडी, सेकेंड पॉइंट लिख लो, द मास ऑफ द बॉडी समवॉट डिक्रीजेस, मास ऑफ बॉडी समवॉट डिक्रीजेस, the mass of body somewhat decreases when a positive charge is given to it, when a positive charge is given to it, when a positive charge is given to it। लिख लिया बेटा। अब सपोज मैं आपको एक ग्लास रॉड दे दूं और उस पर कहूँ उसको पॉजिटिवली चार्ज करो, तो आप उसको सिल्क से रब करोगे क्योंकि सिल्क निगेटिवली चार्ज हो जाएगा इन टर्न, क्योंकि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ग्लास रॉड को जब भी हमें चार्ज करना होता है पॉजिटिवली, वी रब इट विद द सिल्क। तो इसमें लिख लो, फॉर एग्जाम्पल लिख लो, अ ग्लास रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज positively charged on rubbing it with the silk, on rubbing it with silk। डन बेटा, कर लिया आप सबने? यस सर। ठीक है, अब बी है हमारा निगेटिव चार्ज,
एक चार्ज की हमने बात कर ली, वो था पॉजिटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे हम निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज किस बॉडी पे कब रहेगा मुझे बताओ, कब रहेगा? अभी ये बॉडी न्यूट्रल है, निगेटिव चार्ज रहेगा जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 3 है, निगेटिव चार्ज 6 है, तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ऐसी कंडीशन होगी किसी ऑब्जेक्ट के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसके कंपेरिजन में ज़्यादा होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, तो उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। तो यही आपको लिखना है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल ऑन अ पार्टिकल इज नोन एज नेगेटिव चार्ज, is known as negative charge. Done? Yes, sir. चलिए, अब अगर आपने किसी को नेगेटिव चार्ज दिया है, यानी आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए उसके पास। एक लड्डू में आपने नंबर ऑफ बूंदियां बढ़ा दी हैं, तो वो लड्डू का साइज बढ़ेगा, यानी मास बढ़ेगा। साइज इसलिए बढ़ेगा या क्योंकि मास बढ़ रहा है, ठीक है, तो मास बढ़ने लगेगा, उसके वेट में भी इंक्रीमेंट आएगा। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी बॉडी को दे दिया आपने, उसका मास इंक्रीज हो गया है, तो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज इज गिवन, when a negative charge is given, when a negative charge is given to a body, when a negative charge is given to a body, then its mass then its mass somewhat increases, somewhat increases. Somewhat increases. थर्ड, थर्ड का एग्जांपल लिखो इसका। अब अगर आपने एक एबोनाइट रोड के बारे में सुना होगा, मुझे पता नहीं आप लोगों ने अपने स्कूल्स में देखी है, आप लोगों को दिखाई गई है नहीं, बट एक एबोनाइट रोड होती है जिसको फर से, जो फर वाला टॉवल होता है या वूलन क्लॉथ होता है, उससे जब उसको रब करते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पर आप लिख सकते हैं एग्जांपल में, व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर, it gets negatively charged, it gets negatively charged,
इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। डन? तो आई थिंक आपको चार्जेस समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चार्ज से सीधा सीधा हमको मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें देखना है। इलेक्ट्रॉन कहीं एक्सेस में होंगे तो वहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो हमें ये पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यस, ऐसा ही होगा, क्योंकि जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या वो निगेटिव चार्जेस हैं। सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर चार्जेस अनलाइक चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज और है, अगर कोई बॉडी चार्ज है ठीक है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, वो अनचार्ज बॉडी को जिसपे कोई चार्ज नहीं है, मतलब स्टैटिक चार्ज नहीं है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अ चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट द अनचार्ज बॉडी, चाहे यहाँ ये पॉजिटिव के एग्जांपल में देख लीजिए या निगेटिव के एग्जांपल में देख लीजिए। बॉडी पर निगेटिव चार्ज एक्सेस में है तो ये भी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। Do you understand that? Yes, sir. Okay. और किसी भी सिस्टम में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, किसी भी सिस्टम में जो चार्ज रहता है, किसी भी सिस्टम में चाहे वो आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम है, उसमें चार्ज कंजर्व रहेगा। ओके, तो पहले दो प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपेल, एंड अनलाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट में हमने बोला था कि चार्ज बॉडी जो होगी वो अनचार्ज बॉडी को, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो ये हमें लिखना है। अचार्ज्ड बॉडी अचार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अदर अनचार्ज पार्टिकल्स। सपोज करो
कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, उसने पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो इस सिस्टम में चार्ज तो वो टोटल जो चार्ज है वो तो सेम रहेगा, चार्ज तो चेंज नहीं होगा ना इस सिस्टम में, चाहे वो चार्ज इस पे चला जाए या आपने जो रॉड ली, कोई एक रॉड ली, जैसे ग्लास रॉड की ही बात कर लेते हैं, तो ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया, ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से, ये क्लॉथ है, तो इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, इतना सारा बना नहीं बनाता हूँ, कम बनाता हूँ, जब इस पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसे पॉजिटिव चार्ज आया तो यानी इस पे से 3 इलेक्ट्रॉन निकल कर इधर चले गए, तो जो टोटल चार्ज था इस पर, फॉर एग्जांपल अभी हमने इसको रब नहीं किया, तो इस पर 3 निगेटिव चार्ज, 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, हमने ये इसको रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ कि ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आ गया, तो इस टोटल सिस्टम में चार्ज तो उतना ही रहा ना, इस पूरे सिस्टम में पहले इस पे कोई चार्ज नहीं था, जब इसको रब किया तो इससे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो, पर इस पूरे टोटल सिस्टम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज इक्वल रहेंगे, रबिंग से पहले भी और रबिंग के बाद में भी। बोलो, भाई अभी हमने रब नहीं किया है, चलो चार ले लेते हैं चार्ज, 1 2 1, तो अभी सिस्टम में कितने निगेटिव चार्ज है, कितने पॉजिटिव चार्ज है, बताओ। फोर पॉजिटिव 4 निगेटिव, ठीक, आफ्टर रबिंग फॉर एग्जाम्पल 2 चार्जेस इधर चले गए, 2 निगेटिव चार्जेस, तो अब इस पूरे सिस्टम में कितने निगेटिव और कितने पॉजिटिव हैं, इक्वल है, 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, पूरे सिस्टम में तो उतना ही है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में, एक आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम में द चार्ज, द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, लिख लो, द टोटल चार्ज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम, आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, इज ऑलवेज कंजर्व, डन, आर यू डन विद इट? चलो यस नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ लिखिए, द एक्सचेंज ऑफ चार्ज इन एनी फिजिकल प्रोसेस कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, अभी बताता हूँ क्या है, ओके, जो हमने ऊपर बात लिखी है उसी की बात चल रही है। अगर टोटल चार्ज हम मान लें कि टोटल चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज, चार्जेस के एक्सचेंज होने की वजह से हो रहा है किसी भी फिजिकल प्रोसेस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल, एन मतलब नंबर, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो द एक्सचेंज ऑफ चार्ज इन एनी फिजिकल प्रोसेस कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज नॉट इट्स फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन को डिपेंड नहीं करेगा, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर टोटल चार्ज क्यू है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या है, वो हमेशा इक्वल रहेगा, टोटल चार्ज कहीं पर भी हो, चाहे वो रबिंग से पहले हो रहा था, चाहे वो रबिंग के बाद में है, टोटल चार्ज विल रिमेन इक्वल, और उस चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेयर एन इज द इंटीजर, ये एक इंटीजर है, ये कोई भी नंबर हो सकता है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ई रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10^-19 कुलाम। अभी हम बात करेंगे क्या है, कुलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक कुलाम का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना होता है, या ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10^-19, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो टोटल चार्ज या नेट चार्ज क्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इट, और कितने नंबर, एक एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन इज द इंटीजर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। लिखवा दूं, यस सर, लिखो। द एक्सचेंज ऑफ चार्ज in any physical process can be an integral। इंटीग्रल का मतलब है यहां पर इंटीजर से, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं उनके, या किसी भी चार्ज की अगर नेट वैल्यू निकालनी हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, वो आप निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, चाहे वो किसी बॉडी ने रिसीव किए हैं या किसी बॉडी से रिमूव हो गए हैं, दोनों की बात एक ही है। तो उस पर चार्ज कितना रहेगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, नीचे लिख लो क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है, क्यू है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो रिसीव किए गए हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, वो उसकी वजह से बॉडी पर चार्ज आएगा। इसको यहां पर अच्छे से समझ लो, यहां समझो, फॉर एग्जाम्पल छह प्रोटोन है, छह इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इस पर अब दो इलेक्ट्रॉन और कहीं से ट्रांसफर हो गए, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, वो उस चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। अब दो टू आया है चार्ज, तो टू इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना आया है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टू, यानी दो, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, तो उतना चार्ज उस पर टोटल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10^-19 कूलम, इतना चार्ज हो गया। एक केस तो ये है, दूसरा केस ले लेते हैं कि भाई इस पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फॉर एग्जाम्पल, या दो ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तब भी इसमें दो पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो वो क्यू भी इक्वल रहेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, टू मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, यानी वो भी हो जाएगा 3.2 इंटू 10^-19 कूलम। अब समझ में आया, यस सर, ठीक है। या तो चार्ज, चार्ज कैसे आएगा, चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए इस बॉडी से, या वो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले,
ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए उस बॉडी से, इलेक्ट्रॉन अक्यूमुलेट हो जाए। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब भी उस पर चार्ज आएगा, तब भी कितना चार्ज आएगा, जितने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक, अगर उसने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, उस पर से रिमूव हो गए, तब भी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मूव हुए हैं, रिमूव हुए हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं उसके नंबर से एक चार्ज का जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नेट चार्ज मिल जाता है। तो इसमें क्यू लिख लो, क्यू इज इक्वल टू नेट चार्ज ड्यू टू, अगर ले रहा है तो उसको लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, अक्यूमुलेशन, अक्यूमुलेशन कलेक्ट होना, अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल, या रिमूव हो रहा है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n क्या हो गया, n इज इक्वल टू n इंटीजर इंटीजर ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेटेड और रिमूव्ड। इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ आ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम्ब, सी फॉर कूलाम्ब, सी इसकी यूनिट है। ठीक है, तो आपने चार पॉइंट लिख लिए थे, फिफ्थ पॉइंट लिखिए आप, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकला है, बिकॉज चार्ज इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इट स्टेट्स दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, रादर देन दीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और इसको भगवत गीता से ही लिया गया है, ऐसा माना जाता है, कि भगवत गीता में बताया गया था कि आत्मा न मरती है न उसे पैदा किया जा सकता है, वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ठीक है, सो द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फॉर्म। इसी तरीके से चार्ज भी क्या है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सभी मैटर पर, सभी पार्टिकल्स पर जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, उन पर पाया जाता है। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं और कुछ नहीं। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये लिख लीजिए आप, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड रादर देन these can be transferred from one body to another, from one body to another, to another। ठीक है, हो गया बेटा। यस सर, यस सर, ये
ये पांचों पॉइंट क्लियर हैं? कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट मैनर। नो डाउट, बिकॉज वॉट इज द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग इज कि आप लोगों को समझ में आए, आप लोगों के मार्क्स आने, क्योंकि आप लोगों का भविष्य है। ठीक है, अगर इन फ्यूचर भी कभी डाउट लगे तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पेस को कम करके पढ़ाता हूँ, डिटेल में ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि समझ में आए, मेन पर्पज़ हमारा समझना है। यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की यूनिट एक ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, जो हमने ऑलरेडी ऊपर लिखी दी है, ऐसा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो हम जानते हैं क्योंकि एक एटम बहुत स्मॉल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन है वो और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका, और इट्स अ यूनिट नेगेटिव एनर्जी। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, सो इट्स अ सिंगल यूनिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए इसको मेजर करने का जो यूनिट है, दैट इज कूलाम, इट इज मेजर्ड इन कूलाम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ कूलाम। और हम जानते हैं कि एक वन कूलाम इज इक्वल टू, वन कूलाम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 to the 5 18 इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल कूलाम्ब में, एक कूलाम्ब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम कब कहेंगे कि किसी बॉडी पर एक कूलाम्ब चार्ज है, कब कहेंगे हम? इससे ही थोड़ा अंदाजा लगाओ। वन कूलाम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए, तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पर एक कूलाम चार्ज है, वन कूलाम चार्ज है। बॉडी इज सेट टू हैव वन कूलाम चार्ज, वन कूलाम ऑफ चार्ज, इफ इट हैज एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? किसी बॉडी पर, ये कोई बॉडी है, इस पर अगर एक कूलाम चार्ज है, अगर हम कह रहे हैं इस पर एक कूलाम चार्ज है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि या तो इस बॉडी पर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ गए हैं, या इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से रिमूव हो गए हैं, तभी तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव या निगेटिव। अगर इस पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, अगर इससे ये रिमूव हो गए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी वन कूलाम चार्ज का मतलब है 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस में होना या उसकी डेफिशिएंसी होना। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, ठीक ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे निकाला गया? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वन वन कूलाम से निकाला गया। देखो, वन कूलाम इज इक्वल टू, हम जान रहे हैं 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं कहूं कि वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मैनी कूलाम चार्ज, तो ये जाएगा 1/6.25 इंटू 10 to the power 18, यही हो जाएगा बेटा, होगा नहीं होगा? ठीक है, और इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आएगा 0.16। अगर वन को डिवाइड करोगे 6.25 से तो समथिंग लाइक दिस विल कम 0.16।
ठीक। आप इस 10^18 को अगर ऊपर ले जाओगे तो इतना तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, जब पावर्स डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में जाती है तो पावर्स निगेटिव हो जाती है, तो ये हो जाएगी ये यस। और अगर हम इसको एक डेसिमल के पॉइंट पे रखना चाह रहे हैं तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ही डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको अब 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 10। एक्चुअल वैल्यू तो बैलेंस रहेगी पर ये हो जाएगा 1.65, जिसकी मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी और 10 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 10^-18/10। यानी ये अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊँ एक और पावर को तो ये हो जाएगा 1.6×10^-19 कूलाम। तो यहाँ से एक कूलाम के चार्ज से हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, ये तो मैंने तुमको सॉल्व करके दिखाया कि कहाँ से आया है, हम सिंपली लिख सकते हैं चार्ज, ये वाला लिख लो, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6×10^-19। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।